नमस्कार, मेरा नाम आनंद शंकर है और मैं आईटी मैनेजर हूं राष्ट्र एवं भूमि सुधार विभाग बिहार में। ये ट्रेनिंग वीडियो 3 है जो अभी न्यू रिक्रूट्स के लिए एक सीरीज में बना रहा हूं उनके लिए, या फिर ये कह सकते हैं वैसे पब्लिक जिनको लैंड रिकॉर्ड्स के बारे में जानना है फ्रॉम बेसिक, ये उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। तो ये इस सीरीज का तीसरा वीडियो है। पहला वीडियो में हमने बताया था लैंड रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट क्या करता है और इसके कौन कौन से डायरेक्टरेट्स हैं। दूसरे वीडियो में हमने बेसिक ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स बताया था, कौन कौन से लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं, कितने तरह के, हिस्ट्री क्या है बिहार में लैंड रिकॉर्ड्स का। ये तीसरा वीडियो है। लास्ट वीडियो में भी हमने बताया था कि लैंड रिकॉर्ड्स कैसे क्रिएट होते हैं, लेकिन वो बहुत ही ऊपर से मैंने बताया था कि बेसिकली ऐसे होता है। आज मैं डिटेल में बताऊँगा कि लैंड रिकॉर्ड्स बेसिकली क्रिएट कैसे होते हैं। तो लैंड रिकॉर्ड्स जो क्रिएट होते हैं वो सर्वे से होते हैं, और सर्वे कैसे होता है, सर्वे का पूरा प्रोसेस क्या है, बेसिकली ये जानना सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी बिहार में बिहार स्पेशल सर्वे अभी चल रहा है। तो इस सर्वे में कौन कौन से स्टेप हैं और किस किस स्टेप में कब कब रैयत को सर्वे में इन्वॉल्व होना है। बेसिकली सर्वे एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें रैयत को इन्वॉल्व होना ही होता है फ्रॉम इनिशियल टू लास्ट स्टेज। जब हम आपको बताएंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, हमको यहाँ पर जाकर जरूर ऑफिस में सर्वे कार्यालय में जाकर मिलना है, शिविर में जाकर मिलना है, कंप्लेन करना है, अपना डिटेल्स अवेलेबल कराना है, ताकि सही तरीके से सर्वे में आपका लैंड रिकॉर्ड्स के बारे में जानकारी और सर्वे में आपका लैंड रिकॉर्ड्स आपके नाम पर आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री देखते हैं। तो लैंड रिकॉर्ड्स एंड सर्वे का जो हिस्ट्री है वो सबसे पहला सर्वे जो हुआ था 1885 में हुआ था। लगभग 1870 से 1885 ईस्वी के आसपास में ये सर्वे हुआ था। 70 में स्टार्ट हुआ था, 85 के आसपास तक हुआ था। इस सर्वे का नाम रेवेन्यू सर्वे था। बेसिकली इस सर्वे में क्या हुआ था कि जितने भी आप मौजे देखते हैं, राजस्व गांव, उसका सर्वे हुआ था, नॉट प्लॉट, खाता मतलब खेसरा का, खेत का सर्वे नहीं हुआ था, केवल विलेज बाउंड्री का सर्वे हुआ था। उसके बाद सबसे पहला जो सर्वे हुआ था वो कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ था, जो 1885 में स्टार्ट हुआ था और लगभग 1925 तक चला था। तो मोस्ट ऑफ द सर्वे जो आप देखेंगे 1910 के आसपास का, जो खतियान देखेंगे कैडेस्ट्रल मैप या खतियान, 1910 ईस्वी तक का। ये पहला सर्वे था जिसमें प्लॉट की बाउंड्री फिक्स की गई और हर एक खेत की नक्शा में एरिया समाहित किया गया और उसका पूरा डिटेल एक खतियान बना। ये पहला सर्वे था कैडेस्ट्रल सर्वे। कैडेस्ट्रल सर्वे के बाद रिविजनल सर्वे 1930 से 1985 ईस्वी के हुआ। बेसिकली 1960 के आसपास में ये सर्वे देखा जाता है, रिविजनल सर्वे का जो भी खतियान और मैप देखते हैं 1960 ईस्वी के आसपास। 1930 में कुछ एक हुए थे, उसके बाद जो प्रोसेस होता है तो प्रोसेस सर्वे का लगभग 30 साल, 25 साल, 20 साल ऐसे चलता था पहले के सर्वे का, क्योंकि मैप बनाने में ही बहुत साल लग जाता था। तो उसके बाद रिविजनल सर्वे के बाद अभी हमारे पास जो खतियान होते हैं वो कैडेस्ट्रल सर्वे का खतियान होता है, और वही बेसिकली माना जाता है सबसे मतलब अगर किसी लीगल डिस्प्यूट में कोई ज़मीन फंसता है तो वो कैडेस्ट्रल सर्वे के मैप से ही डिस्प्यूट रिजॉल्व होता है। रिविजनल सर्वे में भी अगर किसी को डिस्प्यूट होता है तो वो कैडेस्ट्रल सर्वे देखता है। और अभी जो फिलहाल बिहार में जो सर्वे चल रहा है, आप सब लोगों को पता होगा कि हर एक जिला में सर्वे अनाउंस हो चुका है और सर्वे की कार्य चल रही है। तो इस सर्वे का नाम है बिहार स्पेशल सर्वे एंड सेटलमेंट। इस सर्वे में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, जिसमें फोटोग्राफ खेत का एरियल फोटोग्राफी किया गया था, उसके बाद ETS इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन और डायनेमिक ग्लोबल पोजिशनिंग स्टेशन जो होते हैं, इसके मेथड मतलब मदद से इस सर्वे को किया जा रहा है। ठीक है, ये भी प्लॉट वाइज सर्वे होगा और ये सर्वे जियो रिफ्रेंस्ड होगा। जो आप गूगल मैप में देखते हैं तो जियो लोकेशन बताता है लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, उस आधार पर ये मैप हर एक पॉइंट पर, इस मैप के हर एक पॉइंट का जियो रिफ्रेंस्ड पॉइंट इस मैप में समाहित रहेगा। ये टोटली ऑनलाइन सर्वे है। जब आप इसका प्रोसेस देखेंगे तो अगर मान लीजिए कोई ऑफिस है और ऑफिस एक
एक साथ अगर गायब हो जाता है, ऑफिस का कागजात कोई चुरा लेता है, तो मैं आपको ये बताता हूँ कि इस सर्वे का जितना भी रिकॉर्ड्स हैं सारे ऑनलाइन हैं, मतलब हर एक एक्टिविटी ऑनलाइन दर्ज होती है। तो अगर कोई मतलब इसमें डॉक्यूमेंट लॉस होने की संभावना जीरो है, अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं भी है तो वो चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है। इवन दो जो आप साइन किया हुआ आपको पेपर होता है वो भी स्कैन करके ऑनलाइन अपलोड किया जाता है। तो ये टोटली ऑनलाइन और कंप्यूटर बेस्ड सर्वे है जो अभी चल रहा है, और इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके बनाया जा मतलब इस सर्वे को किया जा रहा है। तो ये हमारा स्पेशल जो हमारा बिहार का सर्वे हुआ, सर्वे कब कब हुआ, इसका ये हिस्ट्री है। अब हम लोग चलते हैं सर्वेक्षण बंदोबस्त कार्यक्रम में। एक नज़र आप ये डालिए कि बिहार में कुल कितने जिले हैं। लास्ट टाइम भी हम बताए थे 534 अंचलों में लगभग 45,872 या 945,900 गांव में सर्वे का काम होगा, जिसमें हल्का जो है 8,463 हल्के हैं, और ये हमेशा चेंज होते रहते हैं हल्का, आपको कोई पता होगा, ठीक है, जो क्योंकि वो पंचायत चेंज होता है तो हल्का फिर चेंज होता है। अब हम लोग चलते हैं, ये हम आपको बता दिए कि हवाई सर्वे और फोटो ईटीएस और डीजीपीएस के द्वारा स्थल का सत्यापन करके और हाइब्रिड संकर विधि मतलब हाइब्रिड मेथड से इसका सर्वे कराया जाता है। अब हम लोग चलते हैं विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त का, अब ये एक परिचय है। ये बेसिकली मालिकाना हक तय करने के लिए, मतलब कौन से प्लॉट का कौन सा रैयत मालिक है, इसके लिए सर्वे किया जाता है। ये कैडेस्ट्रल सर्वे बहुत ही पुराना हो गया और रिविजनल सर्वे भी बहुत पुराना हो गया, इसलिए बिहार को ये स्पेशल सर्वे कराना पड़ा। ये हाइब्रिड मेथड से हो रहा है, और हाइब्रिड मेथड से करने का मतलब ये हुआ कि आपको मैप बनाने की जरूरत नहीं है। पहले मैप बनाने में ही 15 साल 10 साल लग जाते थे, एक एक एंगल देखा जाता था मैप में। आज मैप बनाने में बहुत ही कम समय लगता है, ऊपर से फोटो खींच लिया जाता है और उसको सॉफ्टवेयर के मेथड से उसको फिर से उस आकार में बना लिया जाता है मैप। उसी तरह से ईटीएस और डीजीपीएस से, मतलब पहले जरीब से और चेन से नापी होती थी, आज के डेट में है कि एक ईटीएस पॉइंट यहाँ रखिए, एक दूसरा 2 2 किलोमीटर आगे रखिए, तो वो डिस्टेंस 1 सेकंड में बता जाएगा कि कितने दूरी पर ये कितना दूर है। तो ये आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करने से ये फायदा हुआ कि कम समय में सर्वे हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं बेसिक में। तो सर्वे बेसिकली 3 पार्ट में बटा होता है। पहला पार्ट सर्वेक्षण होता है, दूसरा पार्ट होता है स्वामित्व का निर्धारण, और तीसरा पार्ट जो होता है वो बंदोबस्त का होता है, जिसमें लगान का निर्धारण किया जाता है। तो हम लोग सबसे पहले सर्वेक्षण देखेंगे, सर्वेक्षण के बाद स्वामित्व का निर्धारण, और उसके बाद बंदोबस्त की प्रक्रिया देखेंगे, ठीक है। तो सर्वेक्षण होने से पहले भी बहुत सारा काम करना होता है, प्री सर्वे एक्टिविटी उसको बोलते हैं। तो प्री सर्वे एक्टिविटी में ये है कि एरियल फोटोग्राफी एजेंसी जो होती है हर एक खेत की फोटो खींचती है, और उसके बाद ऑर्थो फोटोग्राफ के माध्यम से उसका एक नक्शा तैयार करती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम लोग ऐसे समझते हैं, फोटो खींचा गया, मैप एक बार फोटो खींच लिया गया, मैप बन गया, उसके बाद ये स्टेप में सर्वे होता है। ये आपके सर्वे के स्टेप्स हैं। सबसे पहले क्या होता है, अगर सर्वे करना होता है किसी जिला में किसी मौजा में, तो सबसे पहले बिहार गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ये अनाउंस करती है कि पर्टिकुलर जिला में हम सर्वे कार्य स्टार्ट कर रहे हैं, और ये अनाउंसमेंट के बाद मतलब नोटिफिकेशन इशू करने के बाद कि नोटिफिकेशन इशू की कि मैं पटना जिला में सर्वे का काम स्टार्ट करूँगा, नोटिफिकेशन इशू करने के बाद सबसे पहला काम का होता है कि उस जिला में एक सेटलमेंट ऑफिस क्रिएट होता है। सेटलमेंट ऑफिस क्रिएट होने के बाद वहाँ सेटलमेंट ऑफिसर होते हैं, और सेटलमेंट ऑफिसर ये घोषणा करते हैं कि मैं इस गांव में अमुक गांव में सर्वे का कार्य स्टार्ट कर रहा हूँ। वो सेटलमेंट ऑफिसर उस गांव में सर्वे का काम होने का अनाउंस करते हैं, और उस गांव में प्रचार प्रसार करते हैं कि इस गांव में सर्वे का काम स्टार्ट हो रहा है, सारे रैयत अपना अपना सेल्फ डिक्लेरेशन दें। तो घोषणा के बाद सभी रैयत क्या करते हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्मेट होता है वो ऑनलाइन ही देना होता है, या फिर आप कैंप में भी जाकर दे सकते हैं, ऑनलाइन देना होता है। तो सारे रैयत सेल्फ डिक्लेरेशन अपना भरकर देते हैं। सेल्फ डिक्लेरेशन में बेसिकली ये होता है कि मेरा नाम ये है और मेरे पास ये ज़मीन है,
और उसमें आधार देना होता है कि ये जमीन आपके पास कैसे है, ठीक है। तो सेल्फ डिक्लेरेशन में ये होता है, सेल्फ डिक्लेरेशन होता है। उसके बाद क्या होता है कि ट्राई जंक्शन फिक्सेशन होता है। हर एक गांव में तीन सीमाना फिक्स होता है। तीन सीमाना का मतलब ये होता है हर एक गांव में एक ऐसा पॉइंट होता है जहां तीन विलेज आकर मिलते हैं। आपके गांव में भी आप जाइएगा तो कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर आपका गांव, आपका बगल वाला गांव और आपका एक और बगल वाला गांव तीनों एक जगह किसी पॉइंट पर मिलते होंगे। तो हर एक गांव में ट्राई जंक्शन फिक्सेशन होता है, मतलब जितने उस गांव में होंगे दो तीन, वो सारे ट्रांजेक्शन फिक्स होंगे, मतलब उस पर पिलर गाड़ा जाता है कि ये ट्राई जंक्शन है, ठीक है। उसके बाद विलेज का बाउंड्री वेरिफिकेशन होता है। विलेज का बाउंड्री वेरिफिकेशन किससे होता है, तो जो मैप एरियल एजेंसी बनाई है उस एरियल एजेंसी के मैप से उस विलेज का बाउंड्री मिलाया जाता है कि जो मैप दिया है उसका एरिया, उस गांव का जो मैप, गांव का जो मैप दिया हुआ है उस मैप का एरिया उस गांव के टोटल एरिया के बराबर है कि नहीं। मतलब किया ऐसे जाता है कि कैडेस्ट्रल सर्वे का नक्शा लिया जाता है जो 1911-15 में हुआ था, और आज का स्पेशल सर्वे का मैप लिया जाता है, और दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के और देखा जाता है कि सारे बाउंड्री विलेज के मिल रहे हैं कि नहीं, ठीक है। अगर कोई भी गलती होता है तो उस मैप को मैप में मार्क किया जाता है और एरियल एजेंसी को बोला जाता है। एरियल एजेंसी क्या करती है, उस मैप को सही करके फिर से वापस करती है। किसको वापस करती है, तो सेटलमेंट ऑफिस को वापस करती है। सेटलमेंट ऑफिस क्या करता है, उस मैप का किस्तवार करता है। किस्तवार बेसिकली क्या होता है, तो किस्तवार होता है, किस्तवार देखिए यहाँ लिखा हुआ है, किस्तवार जो होता है वो जो फिजिकल बाउंड्री होता है हर एक प्लॉट का एरिया मैप के एरिया से मिल रहा है कि नहीं, ये सत्यापन होता है। 100% प्लॉट का सत्यापन मैप से होता है कि सारे प्लॉट्स किस्तवार में मैप का एरिया और प्लॉट का एरिया मिल रहा है कि नहीं, ये होता है, ठीक है। उसके बाद ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट जो जीसीपी पॉइंट होते हैं या तीन सीमाना, उसका सत्यापन होता है और उससे ऑब्जर्वेशन लिया जाता है। जितने भी मैप बने होते हैं उसका सत्यापन होता है, और ग्रामीण सीमा सत्यापन एवं मार्जिन लाइन का मिलान, जो ग्राम का सीमा होता है उसका मिलान किया जाता है, जो हम अभी आपको बताएं। और उसके बाद जितने भी पॉलीगन होते हैं, मैप जितने होते हैं उसके, उसको नंबरिंग किया जाता है इसी में, और हर एक प्लॉट का नंबरिंग करने के बाद हर एक प्लॉट का कितना एरिया है ये लिखा जाता है। तो हम आपको एक मैप खोलते हैं पहले, उसके बाद बताते हैं। किस्तवार के प्रोसेस में बेसिकली क्या होता है कि ये जो मैप है, मैप का पूरा बाउंड्री का वेरिफिकेशन, इस गांव का जो बाउंड्री है उसका वेरिफिकेशन किया जाता है सही है कि नहीं। तीन सीमाना जो है उसको मिलान किया जाता है कि है कि नहीं, जैसे ये सब पॉइंट से मिलान किया जाता है। जैसे कहीं कुआं है गांव में, तो कुआं लगभग 200 साल पुराना है, तो कैडेस्ट्रल में भी वो कुआं होगा और आज भी कुआं है, तो उससे मिलान किया जाता है रख कर कि दोनों एक साथ सही है कि नहीं। इस तरह से दोनों मैप को मिलान किया जाता है। उसके बाद हर एक प्लॉट जो इस प्लॉट का एरिया मैप में और ज़मीन पर बराबर है कि नहीं, इस प्लॉट का, इस प्लॉट का, इस प्लॉट का। अब बोलेंगे कि ये तो इतना छोटा है तो ये ज़मीन के बराबर क्यों होगा, तो ये बेसिकली मैप जो होता है टू द स्केल होता है, मतलब इसका एक इंच बराबर ज़मीन पर 16 माइल के बराबर होता है, या फिर हर एक मैप में वहाँ पर लिखा रहता है कि मैप का स्केलिंग क्या है। तो ये काम होता है। उसके बाद हर एक प्लॉट का नंबरिंग किया जाता है। तो नंबरिंग जो कल लास्ट वीडियो में भी बताए थे हम कि नॉर्थ वेस्ट से किया जाता है, मतलब इस कॉर्नर से किया जाता है, मतलब यहाँ जो अगर है प्लॉट इस कॉर्नर से करते करते यहाँ बॉटम साउथ ईस्ट में आया जाता है, मतलब ऐसे तिरछा आया जाता है। जैसे एक हुआ, उसके बाद दो हुआ, तीन हुआ, उसके बाद चार नंबर प्लॉट हुआ, उसके बाद पाँच छः हुआ, सात आठ नौ हुआ, दस हुआ, इसके बाद 11 हुआ, 12 हुआ, 13 हुआ, इस तरह से नंबरिंग करते आया। और सबसे लास्ट प्लॉट जो इसका होगा सबसे नीचे 311 नंबर प्लॉट, इस गाँव का 311 प्लॉट है, ठीक है। तो ये इस तरह से नंबरिंग कर दिया जाता है, और साथ साथ हर एक प्लॉट का कितना एरिया है, जैसे 342 का कितना एरिया है, ये एरिया स्टेटमेंट किस्तवार में आपको मिलता है। तो किस्तवार का पूरा प्रोसेस इतना होता है। उसके बाद क्या होता है, किस्तवार आप लोग समझ गए, किस्तवार बेसिकली क्या होता है, जब एरियल एजेंसी जो मैप फाइनल करके देती है या फिर मैप फाइनल हो जाता है, तो मैप का मिलान किया जाता है ऑन बाउंड्री में जितना एरिया है वो मैप में एरिया है कि नहीं,
टोटल बाउंड्री मतलब विलेज का बाउंड्री मैच कर रहा है कि नहीं, हर एक प्लॉट की नंबरिंग की जाती है और नंबरिंग के बाद हर एक प्लॉट का कितना एरिया है ये स्टेटमेंट दिया जाता है। ये पूरा किश्तवाड़ का प्रोसेस होता है। किश्तवाड़ प्रोसेस करने के बाद खानापुरी का काम होता है। खानापुरी आप समझ गए होंगे, या खेसरा पंजी का क्रिएशन होता है। खानापुरी क्या होता है? खानापुरी हम आपको बताए थे लास्ट वीडियो में, फिर से हम आपको बताते हैं खानापुरी बेसिकली क्या होता है। खानापुरी बेसिकली ये काम होता है, खेसरा पंजी, जैसे ये आपको किश्तवाड़ में मिलता है, खेसरा नंबर क्या है और रकबा क्या है, ठीक है। खानापुरी में उस रैयत का नाम क्या है, मतलब ये 15 नंबर खेसरा किसके नाम पर है, ये हर एक प्लॉट का सर्वे करके किया जाता है, ठीक है। तो रैयत का नाम क्या है और उसकी चौहद्दी क्या है, ये दो चीज़ खेसरा पंजी में बनता है। ये सारा जितना भी प्लॉट रहता है उसका खेसरा पंजी में ये बनता है, ठीक है। उसके बाद खानापुरी बनने के बाद क्या होता है, उसके बाद एलपीएम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एलपीएम आपका ये होता है हर एक प्लॉट का, जैसे इस ये गांव का एक विलेज है, 149 नंबर ये प्लॉट है, 149 नंबर प्लॉट का एलपीएम मतलब लैंड पार्सल मैप होता है, मतलब एक पर्टिकुलर लैंड का मैप, इस 149 नंबर का ये मैप है और इसका स्केल दिया हुआ है 1:2000, मतलब 1 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर के बराबर होगा, 1 इंच 2000 इंच के बराबर होगा, ये इसका मतलब ये हुआ, इसमें जो दिया हुआ है, ठीक है। जैसे ये इतना दूर लिया हुआ है, इसको 2000 गुना करिएगा तब ये इस खेत पर एक्चुअल के बराबर होगा। इसमें नीचे वाले पार्ट में, एलपीएम के नीचे वाले पार्ट में नक्शा होता है और ऊपर वाले में पार्ट में इस नक्शा में जो ये प्लॉट होता है, प्लॉट का डिटेल होता है, प्लॉट किसका, रैयत कौन सा है, उसका जाति क्या है, पता क्या है और भूमि का प्रकार क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड क्या है, ठीक है। उसके बाद इसमें इसका रकबा होता है, कितना इसका एरिया है, जिसे 2 एकड़ 58 डिसमिल, और उसके बाद उसका चौहद्दी होता है। ये एलपीएम में पूरा डिटेल होता है। इस एलपीएम को मतलब एक गांव में अगर मान लीजिए कि 3000, मान लीजिए इसमें 232 तक आपको दिख रहा है, तो 232 अगर प्लॉट है तो 232 एलपीएम, हर एक प्लॉट का एक एक एलपीएम इस तरह से प्रिंट होता है और प्रिंट होने के बाद हर एक रैयत को, जिस रैयत का रहेगा उसको दिया जाता है। जैसे आप बोलेंगे कि ये तो सरकारी ज़मीन, इसको किसको देना है, तो ये सरकारी ऑफिस में जाएगा, अंचल ऑफिस में, कि ये आपका प्लॉट है, उसी तरह से हर एक रैयत को दिया जाता है। एलपीएम डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एलपीएम डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ड्राफ्ट पब्लिकेशन होता है। ड्राफ्ट पब्लिकेशन किस चीज़ का होता है, जो आप ये खेसरा बनाए हैं इस खेसरा पंजी का ड्राफ्ट पब्लिकेशन होता है। तो ड्राफ्ट पब्लिकेशन हम आपको कल दिखाए थे, ये आपको ड्राफ्ट पब्लिकेशन कुछ इस तरह से दिखेगा। उसमें खाता नंबर होता है, रैयत का नाम होता है, उस रैयत का कितने खेसरा है उस खाता के अंदर लिखा रहता है। जैसे 11 नंबर में 3 रैयत का 3 खाता है, तो तीनों लिखा रहता है। ये आपको इस तरह से ड्राफ्ट खतियान का पब्लिकेशन होता है और गांव में सूचित किया जाता है कि जिस किसी भी रैयत को अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे एलपीएम डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाता है, तो उसमें ये मेंशन रहता है कि अगर आपको कोई आपत्ति है तो आप आपत्ति दायर कर सकते हैं। तो ड्राफ्ट पब्लिकेशन के बाद क्या होता है, क्लेम और ऑब्जेक्शन लिया जाता है। एक बार आपको ड्राफ्ट खतियान पब्लिश हो गया, उस खतियान के आलोक में लोगों से ये ऑब्जेक्शन लिया जाता है कि कोई अगर इस पब्लिकेशन में, खतियान में अगर आपको कोई गलती है तो आप अपना ऑब्जेक्शन और क्लेम दायर करिए विथ सबूत। वो लोग आते हैं और या तो ऑनलाइन दायर कर सकते हैं या फिर शिविर में आकर और वो अपना कंप्लेन दायर करते हैं। तो आप यहाँ क्लेम एंड ऑब्जेक्शन तक पहुँच गए। अब उस ऑब्जेक्शन की सुनवाई होती है। सुनवाई होने के बाद सारे जितने भी ऑब्जेक्शन का सुधार करना होता है वो फिर से मैप में भी सुधार होता है और फिर से उस खतियान में भी सुधार होता है और उसके बाद फाइनल पब्लिकेशन होता है। और जब फाइनल पब्लिकेशन होता है तो मैप और जो खतियान वो दोनों पब्लिश हुआ, वही एक सर्वे का आउटपुट होता है। तो ये एक सर्वे जो होता है इतने प्रोसेस से होता है, ठीक है। और वहाँ ये जो फाइनल पब्लिकेशन होता है इसमें एक मैप प्रिंट, मैप इसका एक गांव का एक मैप निकलता है और उसका खतियान निकलता है। तो हर एक सर्वे का, हर एक गांव का दो आउटपुट होता है, एक मैप और एक खतियान। तो सर्वे का पूरा प्रक्रिया इतना होता है, ठीक है। ये एलपीएम हम आपको दिखा चुके हैं, इससे पहले था, हाँ ये सारा चीज़ हम आपको बता चुके हैं कि किस तरह से हवाई फोटोग्राफी होती है, डिस्चार्ज मानचित्र तैयार होता है और उद्घोषणा होता है, बंदोबस्त कार्यालय का निर्माण होता है, ये सारा चीज़ हम आपको बता दिए। उसके बाद हाँ
ये जितने भी सर्वे के काम होते हैं वो एक शिविर से होते हैं। तो शिविर स्थापित होते हैं एक हल्का में, 4-5 गांव पर होते हैं या 20 गांव पर, जैसे नहीं 4-5 हल्का पर होते हैं, मतलब 4-5 हल्का में आपको 20-25 गांव हो जाएगा। तो 20-25 गांव पर एक शिविर का गठन होता है। हर एक शिविर में सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी एक होते हैं, कानूनगो दो होते हैं, अमीन प्रति ग्राम एक या दो होते हैं। अगर जिस गांव में, अगर बहुत बड़ा गांव है तो वहां 2 या 3 अमीन भी होते हैं, क्योंकि उसका काम एक समय सीमा के अंदर करना होता है। तो एक अमीन से मान लीजिए कि अगर 40,000 कहाँ जहाँ पर प्लॉट है, 8,000 प्लॉट है किसी मैप में, 8,000 प्लॉट है, तो 8,000 प्लॉट एक आदमी करेगा तो बहुत दिन लग जाएगा, तो उसमें 2-3 अमीन लगाया जाता है। उसी तरह से 2 लेपिक होते हैं हर एक शिविर में और 1 कार्यपालक सहायक होते हैं जो डेटा का एंट्री का काम करते हैं। और ये जितने अमीन वगैरह भी हैं ये जो अपना काम करते हैं वो कंप्यूटर पर ही करते हैं, मतलब सारा चीज़ ऑनलाइन करते हैं। अब उसके बाद हम आपको 2 चीज़ बता दिए। यहाँ पर 3 स्टेज आप पढ़े थे। पहला सर्वेक्षण, सर्वेक्षण खानापूरी तक का होता है। उसके बाद जो सुनवाई और मानचित्र का पब्लिकेशन होता है वो स्वामित्व निर्धारण का काम होता है। तीसरा होता है बंदोबस्त का काम। तो बंदोबस्त के काम में बेसिकली क्या होता है, किश्तवाड़ हम बता दिए, सुनवाई बता दिए, हाँ बंदोबस्त के काम में क्या होता है, बंदोबस्त में अधिक अंतिम रूप से जो अभिलेख प्रकाशित होता है उसमें रैयतवार, हर एक रैयत का, जैसे एक रैयत मतलब क्या हुआ, प्लॉट वाइज नहीं रैयतवार, प्लॉट वाइज मतलब हुआ कि ये आपको प्लॉट वाइज हो गया और ये हो गया रैयत वाइज। जैसे अंकित कुमार एक रैयत है, प्रभाकर कुमार, राजेश कुमार, राम कुमार, रवि और श्याम, ये सारे एक एक रैयत हैं। तो श्याम कुमार का 1 बार लगान निर्धारित हुआ कि कितना रुपया इनका लगान हुआ, तो रैयतवार लगान का निर्धारण होता है। ये आपको हुआ बंदोबस्ती। और अब सर्वे के पश्चात की प्रक्रिया क्या होती है, तो सर्वे के पश्चात की प्रक्रिया हो गई कि खतियान बन गया तो उसके बाद जमाबंदी पंजी बनाना होता है और उसके बाद चालू खतियान हमेशा बनाते रहना होता है। चालू खतियान बेसिकली क्या होता है, खतियान का ही अपडेटेड वर्जन। जैसे खतियान अगर 1 बार बन गया तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन उस खतियान को जब भी आप चेंज करिएगा तो अगर एक दूसरी कॉपी बनेगा तो उस कॉपी को चालू खतियान बोलते हैं। किश्तवाड़ का हम आपको बता दिए थे, खानापूरी हम आपको बता दिए हैं। सुनवाई जो होती है ऊपर पत्र 8 में लेकर सुनवाई होती है और 12 में प्ररूप प्रकाशन होता है। उसके बाद अंतिम सुनवाई होती है, लगान की बंदोबस्ती होती है। ये आपका सर्वे का समय सीमा है। तो सबसे पहले स्वघोषणा से लेके और सारे बंसावली वगैरह, ग्राम सभा, ये सब का आयोजन, ये सब करना 30 दिन का काम होता है। उसके बाद किश्तवाड़ का काम 30 दिन में करना होता है। खानापूरी का काम 60 दिन में करना होता है। खिसरा पंजी निर्माण का काम 15 दिन में होता है। खानापूरी पर्चा में विशेष आधार पर रहतों द्वारा दिए गए और कोई ये देता है क्या बोलते हैं ऑब्जेक्शन, तो उसका सुधार करने का 30 दिन का टाइम होता है। उसके बाद विश्रांति होता है। विश्रांति बेसिकली क्या होता है, मिलान होता है। जो कोई भी चीज़ अगर मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्शन आया कि ये चीज़ सुधार करना है तो एक ऑर्डर पास हुआ कि हाँ इसका सुधार करना है, ये सो ऑर्डर पास किए कानून को, ये सो या फिर सेटलमेंट ऑफिसर से द्वारा आदेश अगर पारित होता है कि ये चीज़ सुधार करना है तो वो चीज़ सुधार हुआ है कि नहीं उसको विश्रांति बोलते हैं। और उसके बाद प्रपत्र 12 प्रकाशित होता है। प्रपत्र 12 के पास जो दावा छे पाता है उसका अगर कोई सुधार करना है तो सुधार हुआ है कि नहीं उसके विश्रांति द्वितीय चरण का होता है। उसके बाद लगान निर्धारण होता है और उसके बाद अंतिम मानचित्र अभिलेख का प्रकाशन होता है। ये एक सर्वे का पूरा प्रोसेस हुआ। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक गांव का नक्शा कैसे बनता है और उसका खतियान कैसे बनता है। तो ये एक बहुत ही लगभग, अभी देखिए कि न्यूनतम समय सीमा 360 दिन का होता है। किसी भी एक गांव को अगर कोई टेकअप करता है तो 360 दिन उसको समय लगना ही लगना है मिनिमम, अगर ऑन टाइम सारा चीज़ होते जाए तो। लेकिन ऑन टाइम नहीं हो पाता है क्योंकि ये खानापूरी का काम जो 60 दिन में 40 प्लॉट का दिया हुआ है, 80 प्लॉट भी करते हैं तो 8 3 24 मतलब कि कितना 2400 प्लॉट ही हो पाएगा। लेकिन अभी बहुत सारे गांव ऐसे होते हैं जहां पर 6,000 8,000 प्लॉट्स हैं, तो छोटे छोटे प्लॉट करके 8,000 प्लॉट हैं तो ये नहीं हो पाता है ऑन टाइम। तो ये 360 दिन से अधिक भी लग जाता है कभी कभी। तो ये रहा सर्वे का पूरा प्रोसेस। अब आपको सर्वे में बहुत चीज़ अभी आप सुने होंगे जो जिसके बारे में आपको नहीं पता होगा, जिस बहुत सारे टर्मिनोलॉजी वगैरह। तो अब
इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं, सर्वे के बारे में हम लोग देखें कि कैसे सर्वे होता है और कैसे नक्शा बनता है, डिटेल में हम आपको बताए हैं और बहुत ही सरल तरीक़े से बताए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बनाएंगे। इस वीडियो में ये वीडियो इतना महत्वपूर्ण है कि हर एक रैयत को जानना चाहिए, क्योंकि अभी बिहार में स्पेशल सर्वे चल रहा है। तो मान लीजिए हर एक रैयत नहीं जानेगा तो वो अपना मतलब सर्वे हो रहा है और उसको पता ही नहीं है, उसका ज़मीन अगर फिर अगर किसी और के नाम पर चढ़ गया या फिर कोई परेशानी होगी उसको, तो आप समझ सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को आप लोग जितने भी आपके जान पहचान वाले लोग हैं जो रैयत हैं जिनके पास ज़मीन है उनको शेयर करिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे तो आपको होल्डिंग टाइप्स किस तरह से मतलब नवैयत क्या होता है, किस तरह से होल्डिंग क्या है, लैंड का प्रकार क्या होता है, स्वामित्व का प्रकार क्या हो सकता है और बहुत सारे टर्मिनोलॉजी, लगभग 50 नेक्स्ट वीडियो में 50 बताएंगे, आगे वाला वीडियो में लगभग 200 टर्मिनोलॉजी है कि जैसे कोई वर्ड है तो उसका क्या मतलब है, वो सारा चीज़ हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।